नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल भक्ति विद काशी में। तो चलिए मैं आज आपको ले चलती हूँ अपने साथ वृंदावन में, वहाँ का नजारा दिखाती हूँ पानी का। वृंदावन बसा ही यमुना मैया के किनारे पर है, लेकिन 45 साल बाद आज फिर एक बार यमुना मैया ने अपना रुद्र रूप धारण किया है। वृंदावन के कई मंदिरों में पानी घुस चुका है। यमुना मैया ने पूरे वृंदावन में अपने पैर पसार लिए हैं। दोस्तों अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में लगातार दोस्तों परिक्रमा करने के लिए वृंदावन जाते हैं। दूर दराज से लोग वृंदावन की परिक्रमा के लिए आते हैं। कई भक्त यमुना मैया का भयंकर रूप देखकर भयभीत हो चुके हैं, तो कई लोग अभी भी श्रद्धा अनुसार अपनी परिक्रमा किए जा रहे हैं। लाखों भक्त रोज वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। एक तरफ जहां दोस्तों सावन की झमाझम है, तो वहां दूसरी तरफ वृंदावन में फैल चुकी है यमुना मैया। चारों तरफ यमुना मैया ने अपने पैर पसार लिए हैं। यमुना मैया के इस रूप को देखकर कई ब्रजवासी तो भयभीत हो चुके हैं, तो कई ब्रजवासी का कहना है कि यमुना मैया ने साक्षात दर्शन दिए हैं वृंदावन की धरती पर ब्रजवासियों को। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको नजारा। वृंदावन पानी पानी हो चुका है। वृंदावन में कैसे यमुना मैया ने अपने पैर पसार लिए हैं। वृंदावन में यमुना मैया ने अपने पैर पसार लिए हैं। यमुना का बहाव काफी तेज हो चुका है दोस्तों। कई जगह आदमी तो कई जगह गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। तो दोस्तों दूसरी तरफ वृंदावन के प्रशासन की बात की जाए, तो प्रशासन के भी हाथ पैर फूल चुके हैं कि यमुना मैया ने एक बार फिर अपना रुद्र रूप धारण कर लिया है। तो दोस्तों अब पानी का उफान इतना तेज है कि यमुना मैया चल चुकी है वृंदावन के बांके बिहारी के चरणों की चरण सेवा के लिए। तो दोस्तों मथुरा की गलियों में यमुना का पानी इतना हो चुका है कि कई जगह तो नावें भी चल रही हैं। लोग नाव के जरिए अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। 100 से अधिक गाँव की बिजली भी काट दी गई है। यमुना नदी में जल स्तर फिर खतरे के निशान को पार कर गया है। पानी में हर घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में 3 फीट तक पानी भरने से एक बार फिर नाव चलने लगी है। वृंदावन के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया था। तेजी से बढ़ रहे पानी के कारण लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। दोस्तों 45 साल बाद आई ब्रजमंडल में ऐसी बाढ़ से ब्रजवासी काफी भयभीत हो चुके हैं। कई ब्रजवासियों का मानना है दोस्तों कि यमुना मैया ने साक्षात दर्शन दिए हैं ब्रजवासियों को। ये उनका भाग्य है कि उन्हें यमुना मैया के साक्षात दर्शन करने को मिले हैं। दोस्तों माना जाता है द्वापर युग में ऐसी बाढ़ देखने को मिली थी। उस समय भगवान कृष्ण जब गाय चराने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, तो ऐसे ही जाते थे, जगह जगह पानी होता था। यमुना मैया फैली होती थी चारों तरफ वृंदावन में। तो दोस्तों काफी साल बाद यमुना मैया का ये रुद्र रूप ब्रजवासियों को देखने को मिला है। अधिक मास होने के कारण ब्रजवासी लगातार परिक्रमा कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत हो चुके हैं। बांके बिहारी किशन कन्हैया के दरवाजे तक यमुना ने अपने पैर पसार लिए हैं। दिल्ली को तो सैलाब के संकट से छुटकारा मिल ही गया, लेकिन हरियाणा से छोड़ा गया पानी दिल्ली होते हुए मथुरा वृंदावन पहुंचा, तो हर तरफ सैलाब आ गया। 45 साल बाद ब्रजमंडल में ऐसी बाढ़ आई है जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। हालांकि अब पानी उतर रहा है, लोगों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। यमुना से सटे इलाकों में फिर से पानी भरने लगा है। दरअसल जो लोग बाढ़ से थोड़ी राहत मिलने की वजह से अपने घरों को लूटे थे, उनके घरों में फिर से पानी घुसने लगा है। एक बार फिर वृंदावन के रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया है। लोग अपने सामान को बड़े वाहनों की मदद से सुरक्षित स्थानों तक ले जा रहे हैं। यही नहीं, यमुना का जल स्तर बढ़ने से एक बार फिर पानी शहर के अंदर आने लगा है। यमुना का जल परिक्रमा मार्ग तक आ गया है। पानी इतना ज्यादा है कि कुछ लोग तो अपनी नाव भी चलाने लगे हैं। तो दोस्तों यमुना का जल परिक्रमा मार्ग तक आ चुका है। अधिक मास चल रहा है, कई श्रद्धालु को परिक्रमा बिना किए ही वापस आना पड़ रहा है। तो कई श्रद्धालु बढ़ रहे हैं यमुना मैया की तरफ, लगातार लगा रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा। दोस्तों
वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। राधे राधे।